हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज़ सोनम चौहान। तो अभी जो फ़िलहाल के टाइम में जो रिज़ल्ट सामने आया है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, तो रिज़ल्ट जब बच्चों ने साइट पर देखा, सारे स्टूडेंट ने साइट पर देखा, तो वो सरप्राइज हो गए। यू नो दैट आप किसी एग्ज़ाम में जा रहे हो, आपने को समय भरे ही आपको 1.5 घंटे दिया गया, लेकिन आपने एग्जैक्टली वहाँ पर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग अपना आंसर दिया, लेकिन जब आप वहाँ पर रिजल्ट देखते हो तो आपको या तो 0 दे दी जाती है या आपको फेल कर दिया जाता है। तो आप सरप्राइज हो जाओगे, आप शॉक्ड हो जाओगे, है ना। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर ये सब क्यों हुआ है हमारे साथ में, हमारा तो पेपर अच्छा गया था, हमने तो मतलब घर आकर भी उस चीज़ को एनालिसिस किया था कि कितने क्वेश्चन हम सही कर पाए हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये हुआ क्यों। अब इसमें एक बहुत मतलब एक तरीके से ऐसा केस ये बन चुका है कि वहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी गए और बहुत सारे ऐसे मतलब वहाँ पर एप्लीकेशन भी डाली गई कि दोबारा से इसका मूल्यांकन हो, दोबारा से कॉपियों को चेक किया जाए। तो ये आज हम थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लेते हैं कि इसमें किसकी गलती है। हम सीधे सीधे वहाँ पर पॉइंट नहीं करें किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी अधिकारी को, और ना ही हम किसी कॉलेज को पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे पास जो भी न्यूज़ हमने कलेक्ट की है वो हिंदुस्तान न्यूज़ से लिए नहीं की। और वीवी में जब आप अप्लाई करते हो मूल्यांकन के लिए, तो वहाँ पर सब्जेक्ट की जो फ़ीस है मूल्यांकन की, यानी कि आपको जब दोबारा से अपनी कॉपी चेक करानी होती है, रीचेकिंग की जो फ़ीस है वो 3,000 पर सब्जेक्ट हैं। अब आपके 3 सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, तो 3 सब्जेक्ट का कितना हुआ, 9,000। हर स्टूडेंट उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, और ज़्यादातर इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब करोड़पति नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई हाँ चलो आँख बंद करके 3,000 रुपये दे दिए या फिर तीनों सब्जेक्ट्स का दे दिया, लेकिन उसके बाद भी मूल्यांकन कम्प्लीटली सही नहीं हो पा रहा है। मतलब एक तरीके से रिस्क लिया जाए कि 9,000 रुपये देकर भी आप अपना मूल्यांकन कराए, रीचेक कराए गो पे, फिर भी वो सेटिस्फाई वाला आंसर नहीं हो रहा है। तो गलती कहाँ हो रही है, मूल्यांकन में हो रही है, या सच में ही जो स्टूडेंट हैं वो सच में ही कुछ नहीं लिख पाए हैं। ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूज़ सामने आए हैं यहाँ पर। ये मेरा खुद की न्यूज़ नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बना करके लिख रही हूँ, ये हिंदुस्तान की एक न्यूज़ है जो हमने यहाँ पर इसकी कटिंग लगाई है। आप देख सकते हैं कुछ भी मेरे तरफ से नहीं है, ये सब न्यूज़ में आया हुआ है सब। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी गए अपने बच्चों को लेकर के, उन्होंने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो वहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, उनके जो पेरेंट्स हैं वो, उनका कहना ये है कि हमारे बच्चे आज तक उन्होंने फेल नहीं हुए हैं, ठीक है, वो टॉप नहीं है तो वो फेल भी नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो 12th में जिनके बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, जिन्होंने स्कूल टॉप किया, जिन्होंने बोर्ड को टॉप किया है ना, यूपी बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, CBSE बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ऐसा कि वो 1.5 घंटे में कुछ नहीं लिखे होंगे, ऐसा क्या आपके सामने बिल्कुल खाली कॉपी है कि आप वहाँ पर 0 नंबर वहाँ पर रखने के लिए मजबूर हो गए हो आप सामने से, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अधिकारियों से पूछे गए तो वहाँ पर वो सामने स्टक हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो उनका कहना ये है कि हम दोबारा से जो भी मूल्यांकन है वो दोबारा से हम कराएंगे, और इसमें हमने सेकेंड का जो रिज़ल्ट है वो अभी फ़िलहाल के लिए रोक दिया है, वो फिर दोबारा से आएगा और हम रीचेक कराएंगे। तो ये गलती कहाँ है, ये प्रॉपर रूप से यूनिवर्सिटीज़ में जो भी वहाँ पे अधिकारी बैठाए हुए हैं वो ये तो सही तरीके से कॉपी चेक नहीं कर रहे हैं, या फिर उन्होंने बच्चों की जो फ्यूचर है, बच्चों का जो मेहनत है, उनसे खेल बना दिया है। और एक न्यूज़ और भी सामने आई है कि वहाँ पर जो एक तरीके से ना कि कास्ट सिस्टम, नेपोटिज्म, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर देखने को मिलती हैं कि जो सेल्फ फाइनेंस के कॉलेज हैं या फिर कुछ वहाँ पर ऐसे थे वहाँ पर लोग कॉपी चेक करने वाले, कि उन्होंने अपने जान पहचान वाले लोगों को अंदर बुलाया और उनकी कॉपी चेक कराई और उनका जो प्रॉब्लम्स थी वो शॉर्ट आउट हुई, और बाकी जो बाहर खड़े हुए थे उनका क्या। तो ऐसी चीज़ें भी, ऐसी खबरें भी सामने आई हैं, मतलब सूत्रों से पता लगा है कि ऐसा भी कुछ वहाँ पे हुआ। ये कितनी सच्चाई है, कितना इसमें दम है इस खबर में, ये हम अपनी तरफ से नहीं कहेंगे कि भाई ये सच है कि झूठ है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए गलती हुई है। तो अब जो है अधिकारी जो वहाँ पर बोल रहे हैं कि अब दोबारा से रिजल्ट हम इशू करेंगे, लेकिन मूल्यांकन के बाद। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि यार जब आप कॉपी चेक करते हो, ठीक है, आपको बाद में इतना सब कुछ फेस करना पड़े, तो आप पहले से ही इतना ध्यान क्यों नहीं रखते कि अगर किसी बच्चे ने सच में ही वहाँ पर मेहनत की है, सच में ही वहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, तो एग्जैक्टली उसके लिखने के अकॉर्डिंग, उसके पेपर जो उसने अटैम्प्ट किया है, जो उसने वहाँ पर मेहनत की उसके अकॉर्डिंग उसके नंबर्स रखो, आप किस आधार पर उसको 0 दे रहे हो, ठीक है। फिर रीचेकिंग में अगर स्टूडेंट वहाँ पर अपनी कॉपी के लिए, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करता है, तो वहाँ पर फ़ीस इतनी ज़्यादा महंगी है कि हर एक स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। आप मान सकते हो 3,000 रुपये सिर्फ रीचेकिंग के लिए, 3,000 बहुत
बैठते हैं एक आम इंसान के लिए, एक आम फैमिली के लिए 3,000। तो एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हर एक बच्चा, एक तो ये होता है कि हर एक स्टूडेंट, हर एक फैमिली अच्छे कॉलेजों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अफोर्डेबल नहीं है, वो फीस नहीं पे कर सकती। गवर्नमेंट स्कूलों में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है एडमिशन के लिए, इधर फिरना उधर फिरना, यानी कि पूरे दिन धक्के खाने पड़ते हैं जब जाकर के वहाँ पर उसका एडमिशन हो पाता है। और दुनिया भर की यानी कि उसकी पूरी एजुकेशन में इतनी ज़्यादा मतलब फीस लग जाती है, इतनी ज़्यादा पैसा उसका खर्च हो जाता है कि वो एक मिडिल क्लास की जो फैमिली है वो अफोर्ड नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी वो उसको पढ़ाने में मतलब पूरी मेहनत करती है, चाहे उसे कहीं से भी अरेंज करना पड़े। लेकिन अगर बच्चों के साथ में इस तरह की सिचुएशंस आएगी, इस तरह का मतलब उन्हें फेस करना होगा कि यार हम अच्छे से पेपर दे गए थे लेकिन ये रिजल्ट में क्या आया है, फिर उनके भविष्य का क्या होगा, वो फ्यूचर में किस तरीके से वो अपने गोल्स को सेट कर पाएंगे, वो तो वहीं पे डीमोटिवेट हो गए। अब उनकी जो ग्रेजुएशन है, जिनकी मैक्सिमम परसेंटेज भी वैल्यू करती है मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए, अब वो परसेंटेज रिकवर कैसे होगी, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। और यहाँ तक कि बहुत बार ये सुनने में आता है, ये गुप्त सूत्रों से ही पता लगता है, देखिए मैंने तो अपने आप से नहीं देखा, लेकिन ये सुनने में बहुत आता है कि वहाँ पर जो भी कॉपियाँ चेक होती है, इतना आंख बंद करके कॉपियाँ क्यों चेक करते हो, कि वहाँ पर बच्चे खुद कहते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा था, देखो मेरे कितने अच्छे मार्क्स है, या तो वो ऐसे ही एवं ही फेंक रहे हैं, लपेट रहे हैं आपको, हैं या फिर सच में उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। तो कहीं ना कहीं तो चीज़ें देखो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है जो वहाँ पर इस तरह का रिज़ल्ट सामने आता है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी और आई होप सो ये जो न्यूज़ है वो आपको पसंद आई होगी। और जो भी सेकेंड ईयर के बच्चे, थोड़ा सा वेट करना होगा, तो वहाँ पर भी मतलब काफ़ी बच्चे बैठे, उन्होंने हड़ताल की, सुबह 9 बजे से चले गए थे, शाम के 5 बजे तक जाकर के उन्हें एक जवाब मिला कि हाँ मूल्यांकन दोबारा से होगा, आपका रिज़ल्ट दोबारा से आएगा। तो आप वेट कीजिए सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट है। अब वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, देखिए मैं नहीं बोली, वो उन लोगों ने ऐसा बोला है कि वो दोबारा से रिज़ल्ट इशू करेंगे मूल्यांकन के बाद में। देखते हैं इस मूल्यांकन के बाद में कितना ज़्यादा सुधार आता है रिज़ल्ट में। तो स्टे ट्यून, हमारे साथ बने रहिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो भी न्यूज़ आती है हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।